हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास फोर्थ सोशल साइंस द नॉर्दर्न माउंटेन चैप्टर सेकंड को कवर करेंगे। तो इसमें ये हमारी रिवीजन सीरीज शुरू है, तो इसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन आंसर के अलावा चेक पॉइंट आपका मैच द कॉलम आ गए आपके, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच कवर करेंगे। इसके अलावा सी पार्ट आपका क्वेश्चन आंसर आ गए, डी पार्ट थिंक एंड आंसर आ गया, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। तो ये सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमेशा क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उसको पॉइंट्स में बनाओ। जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, हमेशा कोशिश करो कि क्वेश्चन आंसर को पॉइंट्स में बनाओ। तो इससे क्या होता है कि आपको लर्न करने आसान हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर, और उसके अलावा जो एग्जामिनर होता है जिसने चेक करना होता है ना आपका पेपर, तो उसको भी आसानी रहती है। तो देखते ही उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे को ये क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन को पॉइंट्स में करवाऊं। उसके अलावा मैंने ये सभी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है सिंपल लैंग्वेज रखने की कोशिश की है, तो ताकि आपको आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाए। सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, द नॉर्दर्न माउंटेन सेकंड चैप्टर है ये। तो पहले हम चेक पॉइंट देखेंगे। हाँ जी, कहता है कि माउंट गॉडविन आस्टन और माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ये आपने सर्कल लगाना है, दो वर्ड आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से जो सही वर्ड है ना उसके ऊपर आपने सर्कल लगाना है। तो कहता है कि माउंट गॉडविन आस्टन और माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो आपका राइट आंसर इसका आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? तो राइट आंसर हमारा माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। द आउटर हिमालय आर नोन एज, तो जो आउटर हिमालय है ना उसको वो जाना जाता है एज हिमांद्री के नाम से और शिवालिक। हिमांद्री और शिवालिक दोनों में से एक पे आपने सर्कल लगाना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा आ गया शिवालिक। क्लियर है? तो राइट आंसर हमारा हो गया शिवालिक। हाँ जी, कश्मीरी मैन एंड वोमेन वेयर फिरन और बाखू। तो जो कश्मीरी मैन एंड वोमेन क्या पहनते हैं, वेयर होता है पहनना, तो फिरन पहनते हैं या बाखू पहनते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका फिरन हो गया। बासमती राइस इज ग्रोन इन सिक्किम और उत्तराखंड। तो बासमती राइस सिक्किम या उत्तराखंड में ग्रो किए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा उत्तराखंड। ठीक है। पीलिंग और लद्दाख इज अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन सिक्किम। तो कहता है कि पीलिंग या लद्दाख है प्लेस है, जगह है, टूरिस्ट अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ सिक्किम की। तो सिक्किम जो लद्दाख है वो तो हमारा जम्मू कश्मीर में चला गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीलिंग। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पीलिंग, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, तो आगे हमारे पास मैच द कॉलम आ गए हैं। हाँ जी, तो कावा क्या होता है? कावा होता है अ स्पेशल टी पॉपुलर इन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में पॉपुलर टी है, उसको कावा बोल देते हैं। उसके बाद धजू क्या होता है? अ स्कार्फ वोर्न बाय वोमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उसको क्या बोलते हैं? धजू। स्कार्फ वोर्न बाय वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसको धजू बोल देते हैं। उसके बाद हमारा आ गया बखू। तो इसको ये क्या होता है बखू? तो ड्रेस वोर्न बाय मैन एंड वुमेन ऑफ सिक्किम। तो वह ड्रेस होती है मैन और वुमेन जो सिक्किम के उसको पहनते हैं। तो आगे हमारा आ गया घारो। तो घारो क्या है? आ ट्राइब इन्हें मेघालय। तो मेघालय में एक कबीला है, ट्राइब होता है कबीला। ठीक है। उसके बाद कोक ब्रोक। तो कोक ब्रोक क्या है? अ लैंग्वेज स्पोकन इन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में एक लैंग्वेज वह बोली जाती है। हाँ जी, आगे आ गया राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो कहता है कि रिवर दैट ओरिजिनेट इन द हिमालय। तो नदियां जो ओरिजिनेट होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, जो हिमालय में पैदा होती है। तो यहां पे हमारा गंगा और यमुना आ जाएगी। तो उसके बाद वुमेन वुवन होता है बुना हुआ।
हाथ से बुने नहीं होते, तो वोवन प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के वोवन प्रोडक्ट जो हाथ से बुने हुए प्रोडक्ट होते हैं, तो वो आपका शावल आ गया एक, तो उसमें एक शावल आ गया। दूसरा होता है रग्ज, रग्ज होता है आपका कालीन, कालीन जो कारपेट वगैरह नीचे बिछाए जाते हैं ना, कालीन वो आ जाते हैं। तो स्टेट्स लेंग इन द पूर्वाचल हिल रेंज, तो वह स्टेट जो पूर्वाचल हिल रेंज में आ जाती है, ठीक है, एरिया में आ जाती, पूर्वाचल की पहाड़ी एरिया में आ जाती है, तो वो कौन कौन सी है, तो वो है मणिपुर और त्रिपुरा। तो आंसर होगा आपका मणिपुर और त्रिपुरा। तो फ्रूट्स ग्रोन इन मणिपुर, तो वह फ्रूट जो उगाए जाते हैं मणिपुर में, तो आपका आ गया लीची आ गया एक, तो दूसरा आपका पापाया आ गया, ठीक है, पापाया आपका जो पपीता होता है उसको बोलते हैं। तो हाँ जी, तो प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन मेघालय, तो मेघालय में टूरिस्ट इंटरेस्ट के प्लेसेस कौन से हैं जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, तो एक आपका हो गया शिलोंग, ठीक है, तो एक आप हमारा हो गया शिलोंग और दूसरा हो गया चिरापुंजी। तो चिरापुंजी, तो ये शिलोंग और चिरापुंजी यहाँ पे घूमने वाले प्लेसेस हैं। तो इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। हाँ जी, तो एक बार फिर से बैक एक्सरसाइज को जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो माउंट गॉडविनेस्ट और माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर है। तो द आउटर हिमालय आर नोन एज हिमांद्री और शिवालिक, तो इसको शिवालिक बोल देते हैं, शिवालिक आपका राइट आंसर था। कश्मीरी मैन एंड वोमेन वेयर फिरन, तो कश्मीर के मैन एंड वोमेन फिरन पहनते हैं, तो ये राइट आंसर फेरन हो गया। बासमती राइस ग्रोन इन सिक्किम और उत्तराखंड, तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो गया। तो पीलिंग एंड लद्दाख इज अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन सिक्किम, तो पीलिंग आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद मैच द कॉलम आ गए आपके, तो कावा स्पेशल टी पॉपुलर इन जम्मू कश्मीर में, तो स्पेशल टी है। उसके बाद हमारा आ गया धजू, तो धजू क्या होता है, अ स्कार्फ वोर्न बाय वोमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की प्रदेश की जो वोमेन है एक स्कार्फ पहना होता है उन्होंने गले में, तो उसको बोलते हैं धजू। तो उसके बाद हमारा आ गया बखू, तो बखू क्या होता है, ड्रेस वोर्न बाय मैन एंड वोमेन ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम की मैन और वोमेन इसको पहनते हैं, एक ड्रेस है, ड्रेस वोर्न होता है पहनना, पहनते हैं मैन और वोमेन दोनों सिक्किम के। तो घारो क्या है, ट्राइब इन मेघालय, तो मेघालय में एक कबीले का नाम घारो है। कोकब्रोक क्या है, अ लैंग्वेज स्पोकन इन त्रिपुरा, तो कोकब्रोक त्रिपुरा में एक बोले जाने वाली एक लैंग्वेज है। हाँ जी, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, तो कहता है हर की दो एग्जाम्पल लिखो। रिवर दैट ओरिजिनेट इन हिमालयस, हिमालयस में उत्पन्न होने वाली जो रिवर है ओरिजिनेट होता है पैदा होने वाली उत्पन्न होने वाली, तो हमारी गंगा एंड यमुना आ गई। तो उसके बाद है वोवन प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड, वोवन होता है बुना हुआ प्रोडक्ट जो उत्तराखंड का है, शावल एंड रग्ज है, तो रग्ज होते हैं आपके गलीचे हो जाते हैं जो। तो स्टेट्स लेंग इन द पूर्वाचल हिल रेंज, तो पूर्वाचल हिल रेंज में आने वाला जो एरिया है, ठीक है, पूर्वाचल पहाड़ी इलाके में आने वाली जो स्टेट्स है, स्टेट्स कौन कौन सी है, मणिपुर और त्रिपुरा आ गई। तो उसके बाद है फ्रूट्स ग्रो इन मणिपुर, तो मणिपुर में ग्रो होने वाले फ्रूट्स, उगाए जाने वाले फ्रूट कौन कौन से है, लीची है और पपाया, तो पपाया आपका पपीता है। तो प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन मेघालय में टूरिस्ट इंटरेस्ट के प्लेसेस कौन कौन से है, शिलोंग है और चिरापुंजी है, शिलोंग और चिरापुंजी है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आंसर आ गए हमारे। तो कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट, विच आर द थ्री पैरेलल रेंज ऑफ द हिमालयस, तो पैरेलल होती समानांतर, समानांतर चलने वाली जो रेंजेस होती हैं, मैं कि एक समान तीन पैरेलल रेंज चलती हिमालय की, उनके नाम बताओ। कहता है कि हिमालय की तीन समानांतर जो पर्वतमाला कौन सी है, ठीक है, तो हिमालय की तीन पर्वतीय मालाएं कौन कौन सी है, थ्री पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय, तो यहां से आपने क्वेश्चन में से ये आ जाना ऊपर वाला, तो थ्री पैरेलल रेंज ऑफ द हिमालय, तो यहां से उठा लेना आपने, आर लगा देना बाद में, तो अब आंसर आ जाएगा कि हिमालय की तीन समानांतर श्रेणियां हैं, कौन कौन सी है, द ग्रेट हिमालय जिसको हिमांद्री बोल देते हैं, ग्रेट हिमालय हिमांद्री, द मिडल हिमालय जिसको हिमाचल बोल देते हैं, सेकंड वाला मिडल हिमालय है जिसको हिमाचल बोल देते हैं, द आउटर हिमालय जिसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक बोल देते हैं। क्लियर है, द ग्रेट हिमालय हिमांद्री बोलते हैं
और मिडल हिमालय जिसको हिमाचल बोल देते हैं, द आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक बोल देते हैं। तो नाजी कहता है कि व्हाट इज टेरिस फार्मिंग, टेरिस फार्मिंग क्या है, व्हाई इज इट पॉपुलर इन द माउंटेन, तो माउंटेन में ये जो पहाड़ी एरिया में ये पॉपुलर क्यों है, मीन्स की लोकप्रिय क्यों है। द ड्यू टू लैक ऑफ प्लेन लैंड, कहता है कि जो प्लेन लैंड होती है ना, समतल जमीन की कमी के कारण इन द माउंटेन, तो माउंटेन एरिया में जो प्लेन लैंड की कमी के कारण फार्मर हैज कट स्टेप्स, तो फार्मर क्या करते हैं कि कट स्टेप्स और टेरिस्ट, तो क्या करते हैं कि जो जमीन होती है ना, कट स्टेप्स एंड टेरिस्ट अलोंग द स्लूप ऑफ कल्टीवेशन, तो जो पहाड़ों की ढलान होती है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जो ढलान जाती है, जैसे यहां से इस ढलान है, तो वहां पे ना स्टेप्स बना देते हैं इस तरह, तो ये स्टेप बन गया एक, उसके बाद ये हमारा दो स्टेप बन गए, तो इस तरह स्टेप्स बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्लूप ढलान के ऊपर। दिस प्रोसेस कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेरेस्ट फार्मिंग, तो इसी को टेरेस्ट फार्मिंग बोला जाता है। हाँ जी, कहता है कि इट इज पॉपुलर इन माउंटेन, तो ये पहाड़ी इलाकों में लोकप्रिय है, इट इज पॉपुलर इन माउंटेन, ये पहाड़ी इलाकों में लोकप्रिय है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स सॉयल इरोजन, ये मिट्टी के कटाव को रोकती है, मिट्टी के कटाव मीन्स की भूखोर होता है कि पानी के साथ मिट्टी बह के निकल जाती है नीचे उस एरिया की, तो उसको ये रोकती है। ये कहता है कि व्हाई इज सिक्किम फेमस फॉर, तो कहता है कि सिक्किम किस लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर है सिक्किम इज फेमस फॉर, ये क्वेश्चन में से आ गया हमारा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में से हमने ये इतना वर्ड उठा लिया, सिक्किम इज फेमस फॉर नंबर वन ऑरेंजेस, ऑरेंजेस होता है आपके जो संतरे होते हैं, ठीक है, तो कार्डामम्स हो गए हमारी जो इलायची, तो कार्डामम्स इलायची, तो ऑर्किड्स होते हैं हमारे बाग, ठीक है, तो ऑर्किड्स होते हैं हमारे जो बागान होते हैं ना, उनको बोलते हैं ऑर्किड्स। तो कहता है कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों का मुख्य किता कौन सा है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं ना, तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो फार्मिंग एंड वीविंग, तो ये आपने दो आंसर फिल करना है, तो यहाँ पे देखिए फार्मिंग एंड वीविंग, फार्मिंग होता है खेती बाड़ी, वीविंग होता है बुनने का काम जो होता है, आर द, ये आपका क्वेश्चन में से आ जाएंगे, आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये सारा क्वेश्चन के बीच में से आ गया, तो आपने लगाना है फार्मिंग एंड वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मीन्स की जो फार्मिंग और वीविंग है ना, तो जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय है। हाउ वी कैन टेल द ट्राइब अ नागा बिलोंग्स, तो कहता है कि हाउ वी कैन टेल्स द ट्राइब अ नागा बिलोंग्स, हाँ जी, कहता है कि हम कैसे बता सकते हैं कि जनजाति एक नागा की है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि जनजाति एक नागा की है, तो वी कैन टेल्स द ट्राइब अ नागा बिलोंग टू, तो ये देखिए, तो यहां से आपने क्वेश्चन से लिखना है, ले लेना है कि वही आ जाएगा, वी कैन टेल्स द ट्राइब अ नागा बिलोंग्स टू, तो हम बता सकते हैं कि एक नागा, ठीक है, टू फॉर्म द डिजाइन ऑन हिज और हर शावल, टू फॉर्म द डिजाइन ऑन हिज और हर शावल, कि अपने शावल के डिजाइन से संबंधित है, ठीक है, तो जो उनके शावल होता है ना, उसके ऊपर डिजाइन से हमें क्लियर हो जाता है कि ये कौन सी जाति से बिलोंग करता है, नागा ट्राइब्स के, ठीक है, तो उनके शावल से उनकी पहचान होती है, तो वी कैन टेल द ट्राइब ए नागा बिलोंग्स टू फॉर्म द डिजाइन ऑन हिज और हर शावल, क्लियर है, तो ये जो वीडियो मैंने बनाई थी ना, तो इस चैप्टर की, उस वीडियो में मैंने शावल दिखाया हुआ है, तो वीडियो जरूर देखना आपने। तो आगे हमारा आ गया डी, थिंक एंड आंसर, कैन वी ग्रो क्रॉप्स ऑन माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, तो कहता है कि क्या हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर फसल उगा सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं, गिव रीजन फॉर आंसर, तो अपने आंसर के लिए रीजन भी आपने देना है, तो आंसर के लिए आपने रीजन भी देना है, नो नहीं, वी कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स ऑन माउंटेन, तो हम माउंटेन के ऊपर फसल नहीं उगा सकते, ठीक है, आंसर आ गया हमारा नो वी कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स ऑन माउंटेन, तो नहीं हम माउंटेन के ऊपर फसल नहीं उगा सकते, बिकॉज क्योंकि माउंट एवरेस्ट रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर,
तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर फसल नहीं उगा सकते, क्योंकि माउंट एवरेस्ट रिमेन होता है, रहता है कवर मिस्ट ढका हुआ रहता है विद स्नो थ्रू आउट द ईयर पूरा साल, तो ये पूरा साल बर्फ से ढका रहता है, इसलिए हम इसके ऊपर फसल नहीं उगा सकते। तो आगे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है सभी को, तो इसको ध्यान से देखना। विच ऑफ द हाइएस्ट पीक इन द इंडिया, तो विच द हाइएस्ट पीक इन इंडिया, तो कौन सी हाइएस्ट पीक है इंडिया में, विच इज द हाइएस्ट पीक इन इंडिया इज आएगा यहाँ पे, विच इज द हाइएस्ट पीक इन इंडिया, तो माउंट गॉडविन एस्टन K2, तो माउंट गॉडविन एस्टन हाइएस्ट पीक है इंडिया में अकॉर्डिंग टू योर बुक, तो याद रखना आपके बुक के मुताबिक माउंट गॉडविन एस्टन है, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग माउंट गॉडविन एस्टन। तो लास्ट क्वेश्चन में इसको क्लियर करूंगा मैं, कंचनजंगा भी यहां पे लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में क्लियर करूंगा। तो वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड, तो कहां पे माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है, तो माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना, तो कहता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो स्थापित है बॉर्डर के ऊपर नेपाल और चाइना के। कहता है कि व्हाट इज फेरन, तो फेरन क्या है, मैन एंड वुमेन वेयर ए लॉन्ग वुलन कुर्ता इन जम्मू एंड कश्मीर, तो कहता है कि मैन और वुमेन जो है ना लंबा जो होता है वुलन का कुर्ता पहनते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इज कॉल्ड फेरन, तो उसको फेरन बोलते हैं, तो ऊपर से लेके नीचे तक एक वुलन का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, उसी को हम फेरन बोल देते हैं, वेयर मीन्स की पहनते हैं वो, ठीक है। तो ये मैंने पिक्चर दिखा रखी है इस चैप्टर को जब मैंने कवर कराया था वीडियो में। तो व्हाट इज कावा, तो कावा क्या है, कावा इज ट्रेडिशनल ग्रीन टी, कावा इज द ट्रेडिशनल ग्रीन टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो कहता है कि कावा जो है ना जम्मू एंड कश्मीर की पारंपरिक, तो ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक ग्रीन टी है, हरी चाय जिसको बोल देते हैं, ग्रीन टी बोल देते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की है। विच इज द हाइएस्ट पीक इन इंडिया, तो हाइएस्ट पीक इंडिया में कौन सी है, कंचनजंगा है, तो एक्चुअल में जो इंडिया की हाइएस्ट पीक है कंचनजंगा है, ठीक है, तो एक्चुअल में इंडिया की हाइएस्ट पीक जो है कंचनजंगा है। तो ये जो माउंट गॉडविन एस्टन है ना, ये पाकिस्तान ने जिस एरिया पे कब्जा किया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में आ जाती है, तो बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर माउंट गॉडविन एस्टन आएगा, ये सेकेंड संसार की सबसे ऊंची चोटी है, जिस एरिया पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है ना उसमें आ जाती है। तो बुक के अकॉर्डिंग इंडिया की हाईएस्ट जो पीक ये लिखी हुई है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, पर एक्चुअल में जो इंडिया का खुद का अपना एरिया है, इंडिया के जो एरिया में आ जाती है वो कंचनजंगा है, क्लियर है। तो आपने बुक के अकॉर्डिंग ही करनी है माउंट गॉडविन एस्टन, तो आपको पता होना चाहिए ये पाकिस्तान ने जिस एरिया पे कब्जा किया हो ना उस एरिया में आ जाती है ये वाली, के माउंट K2 गॉडविन एस्टन जिसको बोल देते हैं। तो लास्ट आ गया विच इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 माउंट गॉडविन एस्टन संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये वो एरिया में आ जाती है जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, मीन्स की पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में आ जाती है। हाँ जी, इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर के क्वेश्चन रिवीजन सीरीज कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।